वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना और आज फाइनली मैं जा रही हूँ बाहर मेकअप कराने किसी सलून में। तो क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है रोस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन इंडिया, वेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन इंडिया, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करती हूँ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक में कराऊंगी। तो मैंने ये ग्रीन कलर की साड़ी डाली है और ये ब्लाउज ब्लैक ब्लाउज। तो ये देखते हैं कि कैसा होता है मेकअप और आप लोग कितना एंजॉय कर पाते हैं। तो लेट्स सी। पहुंचने के बाद मैंने उनसे बता दिया कि मुझे वेडिंग गेस्ट मेकअप चाहिए और मैंने आई लुक भी दिखा दिया था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, क्लीनी मिल्स लिया और उसको फेस पे अप्लाई करके थोड़ी देर मसाज किया। लगभग 2 मिनट तक उन्होंने मसाज किया, उसके बाद इसको क्लीन किया जो कि काफी अच्छा स्टेप था। उसके बाद उन्होंने कोई टोनर पिक किया और खूब सारे टोनर मेरे फेस पे इस तरह से स्प्रे कर दिया। उसके बाद फिंगर खेल से उन्होंने इस तरह से फैला भी दिया। उसके बाद ले रही हैं अयूर का क्रीम और मेरे फेस पे इस तरह से लगा दे रही हैं तो मेरा फेस ताकि मॉइस्चराइज हो जाए। क्या लगा? तो मॉइस्चराइज करने के बाद डायरेक्ट उन्होंने कंसीलर लगाना स्टार्ट कर दिया मेरे डार्क सर्कल पे। ना कोई प्राइमर लगाया जो कि मेकअप में काफी इम्पोर्टेंट होता है, ना ही कोई कलर करेक्टर लगाया कि डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए। कलर करेक्टर नहीं लगाया तो भी चलता है, लेकिन प्राइमर तो जरूरी था। प्राइमर भी उन्होंने नहीं लगाया, सीधा सीधा कंसीलर लगा रही है। उसके बाद एक स्पंज की हेल्प से ब्लेंड कर रही है। तो ब्लेंडिंग तो काफ़ी अच्छी थी, अच्छे से ब्लेंड कर रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी। मैंने बहुत ज़्यादा कट किया है क्योंकि ये मेकअप लगभग 3 से 3.5 घंटे में उन्होंने कंप्लीट किया था। क्या है बेस? उसके बाद उन्होंने कोई बेस लगाया, एक पैलेट ली थी उसी में से सारा कुछ लगा रही थी तो समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा फेस बेस है। तो उसके बाद लगाने के बाद उन्होंने ब्लेंड किया। दिन बारी आती है आई मेकअप का, तो आई मेकअप मैंने यही वाला आई मेकअप दिखाया था कि मुझे ऐसा आई मेकअप चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया है कि इस तरह से लाइट ब्राउन कलर लिया है एक ब्लेंडिंग ब्रश में, पूरे आईलिड पे अप्लाई कर दे रही है। उन्होंने कोई और कलर लिया जो कि अपने हैंड पे लगा के आई थी और उसके बाद पूरे आईलिड पे फिर से अप्लाई करके देन ब्लेंड कर रही है। तो दो कलर को उन्होंने पूरे अच्छे से आईलिड पे ब्लेंड कर दिया है। अब एक फ्लैट ब्रश में उन्होंने ब्लैक कलर पिक किया है और इस तरह से क्रीज पे अप्लाई कर रही है। तो लास्ट में उन्होंने ब्लैक कलर लेके क्रीज पे अप्लाई किया है और उसको ब्लेंड करने की कोशिश कर रही है। वो काफी देर से ब्लैक कलर पिक कर करके लगाए पड़ी थी, लेकिन फिर भी उतने अच्छे से लगा नहीं पा रही थी, लगा ही रही थी। तो यू कैन सी कि मेरे दोनों आई कैसे हो रखी है अभी फिलहाल। उसके बाद उन्होंने क्या फिर कोई कलर लिया, शायद ब्राउन कलर लेके और ब्लैक कलर के ऊपर इस तरह अप्लाई कर रही है। उसके बाद उन्होंने एक ब्रश में लिया है कंसीलर, कंसीलर से वो कट क्रीज बना रही है, लेकिन वो अपने हिसाब से कट क्रीज बना रही है। जितना जो मैंने आई लुक दिखाया था उसमें काफ़ी लंबी कट क्रीज थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ आईलिड पे ही इस तरह कट क्रीज बनाया है। एक फ्लफी ब्रश में पाउडर लेके उसको सेट कर दिया। देन फिर से उन्होंने कोई ब्राउन कलर या ब्लैक कलर पिक करके और क्रीज पे अप्लाई किया। कितनी बार अप्लाई करेंगे? उसके बाद उन्होंने पिक किया है कोई ग्रीन कलर और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से पूरे आईलिड पे अप्लाई कर दे रही है। जैसे जहाँ कट क्रीज बनाई है जितना कंसीलर अप्लाई किया उसके ऊपर इन्होंने ये ग्रीन कलर का आई शेडो अप्लाई किया है। क्या लगा रहे? कुछ नहीं, मुझे आपकी थोड़ी सी ब्लैक लाइन हो गई है ना। उसके बाद उन्होंने लिया है कोई ग्लिटर आईलाइनर और उसको क्रीज पे अप्लाई कर रही है, जैसे कि मेरे आई लुक जो मैंने दिखाया था उसमें था, लेकिन बिल्कुल भी उस तरह से नहीं अप्लाई कर रही है। तो उनके हाथ भी बहुत ज्यादा हिल रहे थे तो इसलिए लाइन अच्छे से नहीं बन रही थी। उसके बाद उन्होंने कोई ग्लू लिया
है तो सेंटर आईलिड पे अप्लाई किया है ग्लू, जबकि इसमें इतना ज्यादा सिमर तो है नहीं। उसके बाद उन्होंने बीच में सिमर लगा दिया ताकि आई थोड़े चमकने लगे और अच्छे लगने लगे। तो इस तरह से उन्होंने सिमर अप्लाई किया है आईलिड के सेंटर में। उसके बाद उन्होंने एक विजुअल आईलाइनर लिया है, उसको एक ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही है, लेकिन उससे अच्छे से अप्लाई नहीं हो रहा। तो उन्होंने लिक्विड आईलाइनर फिर से लिया और उससे उनको बिंग आईलाइनर बनाना था। तो कैसे बिंग जा रही है क्योंकि जो मैंने आईलू दिखाया था उसमें बिंग आईलाइनर अप्लाई हुआ था, यू कैन सी माय बिंग। उसके बाद लोअर लैश लाइन के क्लोज उन्होंने एक ब्रश से, पतले ब्रश से ऐसे खींच के ब्लैक कलर लगा दिया, कुछ अच्छे से ब्लेंड तो नहीं किया। तो इस तरह से उन्होंने मेरे वाटरलाइन में काजल अप्लाई किया है। देन अप्लाई करेंगे मस्कारा। तो मस्कारा इन्होंने यहाँ लिया है, उसके बाद मस्कारा से अपन लोअर लैशेस को कोट कर रही है। देन आईब्रो फिल करने की बारी आती तो उन्होंने ब्रश तो बहुत अच्छा लिया है, एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से वो हमारे ब्राउज को फिल कर रही है, लेकिन इतना ज्यादा कम प्रोडक्ट ले रही है कि पता ही नहीं चल रहा है इन्होंने ब्राउज को फिल किया है कि नहीं किया है, यू कैन सी। तो लगभग उन्होंने 3 बार मेरे ब्राउज को फिल किया। उसके बाद हाईलाइटर इनर कॉर्नर में हाईलाइट किया, ब्रो बोन को भी हाईलाइट किया है। कंटूरिंग तो मसाला था कि बीच में इस तरह से ऐसे कर दिया, हो गई नोज की कंटूरिंग। और पता नहीं प्रोडक्ट तो दिख ही नहीं रहा है, इन्होंने जो लाइन पे भी हल्का सा चला दिया, पता ही नहीं चला। और उसके बाद अब ब्लश ले रही है, ब्लश से ब्लश अप्लाई कर रही है। तो कैन देख सकते हैं कि ब्लश कहाँ अप्लाई हो रहा है और प्रोडक्ट तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था, कहाँ कुछ ब्लश लगाई भी कि नहीं लगाई। तो ब्लश लग गया यहाँ। अब हाइलाइटर के लिए उन्होंने हाइलाइटर लिया है और फिंगर के उनसे हाईलाइट कर रही है। तो इस तरह से अप्लाई करके और फिंगर से रगड़ के ब्लेंड कर दी है। तो अब नोज की हाइलाइटिंग होगी। तो हाइलाइटर उन्होंने हैंड पे लेके फिंगर पे और इस तरह से नोज पर अप्लाई कर दिया, जो कि पूरा टाइम ब्लेंड ही नहीं हुआ है। और चिन पे कहाँ अप्लाई कर रही है, तो पूरे फेस पे हाईलाइटिंग हो गई कंप्लीट। अब बारी आती है आईलैशेस की, फेक आईलैशेस। तो उन्होंने इस तरह से बहुत हल्का सा कोई ग्लू लगाया और इस तरह से चिपका दिया, जो कि 1 घंटे भी नहीं चिपके होंगे ढंग से। तो अभी मैं तुरंत ही दिखाती हूँ क्या हाल है। उसके बाद उन्होंने लिक्विड लाइनर लिया है, उसके ऊपर ड्रॉ कर रही है ताकि उसके बैंड ना दिखे, लेकिन फिर भी दिखेगी कैसे उन्होंने गलत तरीके से लगाया ये। उसके बाद लिपस्टिक के लिए उन्होंने कोई पर्पल लिपस्टिक लिया है और मेरे लिप पे अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद मैंने बोला कि थोड़ा सा आईब्रो और ढंग से कर दीजिए, क्योंकि लग ही नहीं रहा है कोई प्रोडक्ट आपने लगाया है। तो उन्होंने फिर से 3 बार उन्होंने मेरी आईब्रोज को फिल किया है। उसके बाद ये कह सी कि अब थोड़ी सी लग रही है आईब्रो फिलिंग हुई है और लिपस्टिक थोड़ी सी फैली हुई है, तुरंत ही देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने लिया कोई सेटिंग स्प्रे, उनको याद नहीं था मैंने बोला, तो उन्होंने कोई सेटिंग स्प्रे लिया और फेस पे मुँह में एकदम स्प्रे कर दिया है। तो फाइनल हो गया मेरा मेकअप। तो अब मेरा कंप्लीट हो गया मेकअप, जो कि सिर्फ हाइलाइटर ही फेस में दिख रहा है, वो तो दिख ही नहीं रहा। तो मैं पार्लर से निकल चुकी हूँ, उनके सैलून से निकल चुकी हूँ। मैं लेती हूँ थोड़ा पब्लिक लिया। मेरा मेकअप कैसे लग रहा है? ये देखो बस लैशेज हट रही है। आप बताइए कहाँ से कैसे लग रहा है? चलो हमने ये भैया को तो पसंद आया, आई मेकअप थोड़ा खराब लग रहा है। बाकी अपना रिव्यू देने के से पहले मैं अपने फ्रेंड, मेरा भाई जो भी कह लो, मेरे साथ सलून गया था क्योंकि मैं अकेले नहीं गई थी, इसको साथ में लेके गई थी। तो वो पार्लर में सलून में कुछ बोल नहीं सका, तो यहाँ मैं उससे पूछती हूँ क्योंकि उसको मेकअप का नॉलेज है कि मेरा मेकअप कैसा हुआ है, तो वो बताएगा। बताओ पीयूष। हेलो गाइस। बताओ मेरा मेकअप कैसा हुआ। मेकअप के लिए तो कोई वर्ड ही नहीं है, क्योंकि आई मेकअप तो जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा करवाएंगे, हाँ। वो
हम लोग तो सोच के गए थे कि हमें कौन सा आई मेकअप करवाना है, हमने पिक्चर भी उनको दिखाई थी, हमें वही आई मेकअप चाहिए था, बट उससे मिलता जुलता तो एक भी मतलब एक भी स्टेप नहीं है इसमें। और सेकेंड थिंग है कि आईलैशेस घर आते आते तक तो उधर भी गई। तो मैं अपना ओपिनियन देना चाहती हूँ, मैं अपना रिएक्शन देना चाहती हूँ अपने इस मेकअप पे कि क्या कमी मुझे लग रही है इस मेकअप में। तो सबसे पहले कमी मैं आई मेकअप की बात करूँ तो आई मेकअप में आप देख सकते हो कि ये सब इधर उधर से निकल रहा है। अभी 2 घंटे में है, 2 घंटे भी पूरे नहीं हुए मेकअप किए हुए और पूरा निकल रहा है, और जिस हिसाब से मैंने पिक्चर दिखाई थी उस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं हो रखा है। और लैसेस आप देख सकते हैं किस तरह से, बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुई थी, थोड़ी थोड़ी स्टिक हुई थी, दूसरी वाली तो निकल गई है। तो कुछ इस तरह से आई मेकअप हो रखा है, तो आई मेकअप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और बेस की बात कर लेते हैं तो बेस उन्होंने ओके ओके कर रखा है, क्योंकि बेस में उन्होंने प्राइमर तो लगाया नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइमर लगाना भूल गई, प्राइमर उन्होंने नहीं लगाया है, लेकिन 2 घंटे में क्या मेकअप है कुछ पता ही नहीं चला। बिल्कुल फेस काला काला हो रखा है, बस हाईलाइट अच्छा कर रखा है तो इसलिए थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। और डेली के हिसाब से सही है, क्योंकि डेली में रोस्ट मेकअप आर्टिस्ट इससे ज़्यादा रोस्ट तो नहीं कर सकते मुझे लगता है। सलून ओपन करके रखा है तो इतना मेकअप तो आता ही होगा। तो अब लिपस्टिक की बात करें तो लिपस्टिक यू कैन सी लिपस्टिक फैल गई है थोड़ी थोड़ी ये इधर उधर से। तो ऐसा मेकअप करके तो पार्टी में मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाली, मैं किसी भी पार्टी में ऐसा मेकअप करके नहीं जा सकती, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेकअप कर लेती हूँ, ऐसा ठीक ठाक मेकअप कर लेती हूँ, तो मैं ऐसा मेकअप करके कभी भी पार्टी में नहीं जाऊंगी। तो आप लोग खुद ही बताना कि मेरा मेकअप कैसे हो रखा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वो कोशिश बहुत अच्छा कर रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी, उनके पास प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं थी, पूरे प्रोडक्ट भरपूर प्रोडक्ट थे, लेकिन उन्हें उनको ऐसा लग रहा था देखिए कि प्रैक्टिस की कमी है, क्योंकि ज़्यादा क्लाइंट हमें लगता है अटेंड नहीं करती होंगी, इसलिए उनका हाथ इतने अच्छे से सेट नहीं था, इसलिए ऐसा मेकअप निखर के आया है। और थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा लगा रही थी, लगभग ये मेरा मेकअप लुक 3 से 3.5 घंटे में उन्होंने कंप्लीट किया है, सिर्फ मेकअप मेकअप में। बाप रे, इतनी देर तो मैं बिल्कुल से बैठा नहीं जा रहा था, मेरा बच्चा पीछे रो रहा था, तो कितनी मुश्किल से मैं बैठ के 3.5 घंटे तक ये मेकअप कराई हूँ, ऐसा मेकअप। और भगवान, ये तुम्हारा अच्छा क्या कमी लग रही मेरे मेकअप में, सही सही बताना। आईज खराब बनाई है, मेकअप खराब हो गया है, तो घर ही पकड़ लेती बढ़िया। देखो मैंने रिंग लाइट चला के इनसे रिएक्शन ले रही हूँ, ताकि ऐसे ना लगे अंधेरे में कि कुछ खराब दिखे। कुछ खराब, सब कुछ खराब ही तो है। नहीं सही सही बताओ क्या खराब लग रहा है। आई मेकअप खराब है और मेकअप बहुत खराब क्वालिटी का लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है, मेकअप तो चमक रहा है देखो। और ये लिपस्टिक कौन सी यूज की, लग रहा है कि स्केच पेन यूज किया है। इतना बकवास मेकअप घर पे कर लो, अच्छा कुछ नॉलेज है तुम्हें मेकअप का, ए भी आता है मेकअप का, एम भी आता है। रोज ही तो देखता हूँ मैं। रोज ही देखते हैं। तभी ये आए हैं, जस्ट मैंने इनसे फर्स्ट रिएक्शन लिया है, तो इनका रिएक्शन ऐसा है कि इनका मेकअप पसंद नहीं आया। अब इसको भी निकाल दो, अब किसी से रिएक्शन नहीं लेना है। तो अब मैं जा रही हूँ, सबसे पहले अपना फेस वॉश करूँगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, तो कैसा लगा आप लोग को बताइए, जरूर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा यार, इतनी मेहनत से मैंने इस वीडियो को बनाया है पूरा 1 दिन लगा के, तो मेरी मेहनत के लिए 1 लाइक तो जरूर करिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।